स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन पर। देखिए, टॉपिक हमारा वही चल रहा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। अब देखिए, टॉपिक लास्ट है ना, इसके बाद एक दो वीडियो और होंगी, उसके बाद हम नाइन्थ और टेंथ क्लास की या नाइन्थ क्लास के लिए वीडियो डालेंगे। तो देखिए, आज का मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये एट्थ क्लास की बुक से क्वेश्चन लिए मैंने, जो लीनियर इक्वेशन के हैं। तो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है a + 3 अपॉन 2a + 3 इजकल टू 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/4 ब्रैकेट्स m - 5 इजकल टू 5/3m + 4। इसको इक्वेशन को सोल्व करना है इनको दोनों को। तो देखिए कैसे करेंगे, जब हमारे सामने इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसमें क्या करते हैं, देखिए दोनों हम आपस में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मीन्स इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे। तो देखिए कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। आपने केवल यहाँ पर अपना माइंड फोकस करना है। देखिए, इसकी 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, मीन्स 3a + 3 इजकल टू, ये इधर पहुँच जाएगा 2 × 2a + 3। देखिए मैंने कुछ नहीं करा है, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी। तो 3 की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 3a + 3 = 9। इसके आगे अब देखिए, 2 की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 + 2 = 6। साइन का ध्यान रखेंगे, देखिए सारे प्लस के हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पर 3a, इधर 4a, है ना, तो 4a को इधर ले आएंगे, है ना। क्या करेंगे, 3a - 4a और इस लाइन को इधर ले जाएंगे, यानी कि 6 इधर प्लस का, इधर साइड जाकर के माइनस का। सिंपल है, मैंने वेरिएबल एक साइड ले लिया और इंटीजर्स दूसरी साइड। तो देखिए क्या करेंगे, प्लस का 3a, माइनस का 4a, है ना। बड़ी डिजिट कौन सी है, माइनस का 4a। इसमें से इसको माइनस करेंगे, देन माइनस का a। यहाँ पर 6 प्लस का, 9 माइनस का। क्या करेंगे, ये बड़ी डिजिट है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -3। देन स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस खत्म, देन a = 3। ये a की वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा 5/4 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, देन एम में करेंगे 4m एंड 4 × 5 = 20 -20 इजकल टू 5/3m + 4, है ना। अब देखिए दोनों सेम हो गए, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सीधा सा 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3m + 4, है ना, और इजकल टू 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, मीन्स 5 × 4m - 20। ओके, भाई मैंने कुछ नहीं करा, केवल इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्या करेंगे, इस 5 की पूरे ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 3 = 15m, 5 × 4 = 20 प्लस इजकल टू, इस 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर दीजिए, देखिए 5 × 4 = 20m। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, 5 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे, बट ये प्लस का, ये माइनस का, 25 × 100 प्लस माइनस माइनस, है ना। अब क्या करेंगे, जो वेरिएबल उन्हें इधर ले आए इंटीजर्स उधर दूसरी साइड, तो देखिए ये हो जाएगा 15m, ये प्लस का है -20m इजकल टू -100। अब देखिए ये प्लस का 20 है, इसको बराबर दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20, देन 15 और 20। तो देखिए ये बड़ी डिजिट है और माइनस है, देन 5 - 5m इजकल टू -100 - 20 - 120, देन m इजकल टू -120/-5, माइनस से माइनस खत्म, है ना, देन m इजकल टू 24। ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। स्क्रीन शॉट ले लीजिए वीडियो का और सेव कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चन मैंने और लिए हैं, इनको ध्यान से देखिए। ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, है ना। देखिए ये है x + 4 + b + 4 / a + b - 4। तो देखिए प्रोसीजर सेम है, इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
है ना, मीन्स एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई ए प्लस बी माइनस फोर है ना इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें मीन्स एक्स माइनस फोर और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस फोर, ठीक है। क्या करेंगे, पहले x की इस पूरे ब्रैकेट मल्टीप्लाई उसके बाद 4 की, है ना। कैसे करेंगे, देखिए x a प्लस बी माइनस फोर है ना, प्लस फोर a प्लस बी माइनस फोर है ना। देखिए पहले मैंने x की पूरे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करी है, उसके बाद प्लस 4 की पूरे ब्रैकेट में, इसके बाद सेम वही प्रोसीजर x a प्लस बी प्लस फोर एंड माइनस फोर ए प्लस बी प्लस फोर है ना। तो देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स की ए में करेंगे ए एक्स है ना प्लस बी एक्स है ना माइनस फोर एक्स, ओके। अब इसकी पूरे में करेंगे तो देखिए प्लस फोर ए प्लस फोर बी एंड फोर फोर जो 16, ओके, प्लस माइनस माइनस। देखिए पहले एक्स की पूरे ब्रैकेट में कर दी ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस फोर एक्स, अब फोर की पूरे ब्रैकेट में फोर ए प्लस फोर बी फोर फोर जै 16 माइनस 16, इसी तरह से इसमें करेंगे कैसे हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस फोर एक्स, अब माइनस फोर से इसमें करेंगे माइनस फोर ए माइनस फोर बी एंड फोर फोर जो 16 माइनस 16, ओके। अब देखिए ये है ए एक्स है ना, अब दोनों साइड में देखिए ए एक्स से ए एक्स खत्म, बी एक्स से बी एक्स को खत्म कर दीजिए, माइनस फोर एक्स प्लस का फोर एक्स, देखिए जब इधर लाएंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, फोर ए प्लस का और फोर ए माइनस का, ये भी नहीं फोर भी और ये दोनों खत्म हो जाएंगे भाई। देखिए खत्म क्यों हुए, अगर हम इन्हें इधर लाएंगे इधर तो प्लस के हैं, इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचता है, माइनस का फोर एक्स प्लस का फोर ए प्लस का फोर बी इक्वल टू फोर एक्स माइनस फोर ए और माइनस फोर बी। अब इनको इधर ले आइए, किसको, ये ए और एक्स को इधर ले जाएंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, ये फोर ए प्लस फोर बी है ना। अब देखिए इधर फोर ए माइनस का है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का फोर ए हो जाएगा, ये फोर बी माइनस का इधर लाएंगे तो इधर आकर के ये भी प्लस का हो जाएगा, इधर बचा फोर एक्स। अब देखिए इस फोर एक्स को इधर ले जाएंगे, इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ओके। तो देखिए फोर ए और फोर ए कितना हो गया, एट ए प्लस फोर बी और फोर बी एट बी एंड फोर एक्स फोर एक्स एट एक्स। देखिए सब में एट कॉमन है, या अगर हम पूरी इक्वेशन को एट से डिवाइड कर दें देन क्या होगा, ए प्लस बी इजकल टू एक्स, या क्या हुआ एक्स इजकल टू ए प्लस बी, ये एक्स की वैल्यू आ गई, ओके। चलिए अब हम इसमें आ जाते हैं, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें पहले हम इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे है ना, ये है 2x है ना, 2x प्लस 3 है ना, 2x प्लस 3 माइनस, अब देखिए माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस के 5 अपॉन 6x है ना माइनस 1 माइनस 4x और माइनस प्लस माइनस 1 इजकल टू 2 अपॉन 3। देखिए मैंने और कुछ नहीं करा है, केवल ब्रैकेट खोल दिया, ब्रैकेट खोलने के लिए जो ये माइनस है इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दी, 2x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 5 6x माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 4x और माइनस प्लस माइनस 1 इजकल टू 2 अपॉन 3। अब क्या करेंगे, ये 2x प्लस का है ये माइनस का, देन क्या हुआ प्लस का x है ना, प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 8
अपॉन 6x प्लस का 4x माइनस का, देन प्लस के 2x माइनस 1 माइनस 1 माइनस के 2 इजकल टू 2 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देन x प्लस 8 और इसमें मल्टीप्लाई किस किया 3 है ना, इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 ओके। क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3x 38 जा 24 इजकल टू 22 जा 4x एंड 22 जा माइनस 4 ओके। क्या करेंगे इस 4 को इधर ले आओ, मीन 3x ये इधर प्लस का इधर माइनस 4x है ना, माइनस 4 और 24 को उधर ले जाओ। तो देखिए इसको इधर लाइए, माइनस का 4x हो गया, 24 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस 24। अब ये डिजिट छोटी है ये बड़ी है तो किसका साइन आएगा माइनस का, मीन्स 4 में 3 को माइनस x, माइनस 4 माइनस 24 माइनस 28 माइनस से माइनस खत्म, देन x इजकल टू 28 ये x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। देखिए ये चार सवाल मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाए, यानी कि कैलकुलेशन किए, कहीं पर आपको दिक्कत आती है कुछ भी है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को सेव कर लें। देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये 8th क्लास की बुक से मैंने एक्सरसाइज से 4 क्वेश्चन लिए और ये आपको मैंने समझाया। देखिए अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कहीं पे आपको कहीं पे क्वेरी क्वेश्चन में नहीं आती कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में आगे से आगे इसको बढ़ाएं जिससे इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। ओके थैंक यू।